न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं पुलकित सक्सेना और नजर डालते हैं की 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों की ओर। शर्मा की हत्या की साजिश रची जा रही है। सहारनपुर से जैश ए मोहम्मद का आतंकी गिरफ्तार। राजू श्रीवास्तव की तीसरी बार की गई एंजियोप्लास्टी। आपको बता दें इसमें हार्ट अटैक का खतरा दूसरी बार आने का होता है कम। उत्तर प्रदेश के अंदर 304 करोड़ के डैम के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। कल रात्रि में दरार पड़ी और वहां से खाली कराया। आरएसएस ने ट्विटर और फेसबुक से भगवा ध्वज को हटाया, लगाया तिरंगे की तस्वीर। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और शिवसेना में तकरार देखने को मिली है। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस से परमानेंट नहीं। लाल सिंह चड्डा में एज गैप की कंट्रोवर्सी पर मोना सिंह ने कहा कि मैं लाल सिंह चड्डा की मां बनी हूं, ना कि आमिर खान की। होटल रेस्टोरेंट के अंदर आप सभी को बता दें कि एक युवक को 4-5 बदमाशों ने पकड़ा और उसके बाद भी उसके ऊपर पत्थरबाजी करी और वह जान बचा करके भागा। टेरर फंडिंग के मामले में कराटे के साथ 4 अन्य सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। महंगाई के अंदर राहत मिलती हुई नजर आई है, जिसमें आप सभी को बता दें कि अब लगातार तेल और खाद्य की चीजें सस्ती होती हुई नजर आ रही है। चित्तौड़गढ़ में जिन प्लांट में धमाका जिसमें 9 लोग झुलसे, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। न्यूड फोटोशूट के अंदर रणवीर सिंह से पूछताछ की जाएगी, उन्हें नोटिस भेजा गया। उदयपुर में एक पुलिस वाले का दलित युवक के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। नंबरन को गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर के ऊपर हमला देखने को मिला है। ट्रक से उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया। भारतीय सेना में महिला अग्निवीरों के लिए आवेदन की तारीख शुरू कर दी गई है। आवेदन के पत्र भरे जा रहे हैं। कश्मीर के अंदर एक बार फिर टारगेट किलिंग देखने को मिली है। रात्रि के समय एक मजदूर को मार गिराया। राखी बनवाकर लौट रहे जीजा सालिक जयपुर में एक सड़क दुर्घटना में हो गई मौत। जॉनसन के बेबी टेलकम पाउडर अब बंद होने की कगार पर हैं। इसी के चलते भी अब चर्चाएं तेज हुई। हिमाचल के ऊना में स्कूल की बस खाई में गिरी, जिसमें 12 बच्चे घायल हैं, वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सोनिया गांधी एक बार फिर पॉजिटिव हो चुकी हैं। 2 महीने के अंदर वह दूसरी बार पॉजिटिव हुई। कि दूसरे देशों ने यूक्रेन के अंदर हमारी ताकत देख ली तिरंगे की और इसी के चलते भी आप सब सतर्क। विदेश मंत्री ने माना कि चीन के साथ भारत के रिश्ते कुछ ठीक नहीं। जयशंकर ने कहा कि लद्दाख में झड़प के बाद चीन अब भी डटा हुआ है, संबंधों पर असर होता दिखाई दे रहा। जयपुर में रेलवे ट्रैक के पास में युवक का शव मिलता हुआ नजर आया है। ट्रेन की चपेट में आने से यह युवक का शव वहां पर पड़ा हुआ। राजू श्रीवास्तव की तीसरी बार की गई एंजियोप्लास्टी। आपको बता दें इसमें हार्ट अटैक का खतरा दूसरी बार आने का होता है कम। न्यूयॉर्क में इंटरव्यू देते समय सलमान रुश्दी के ऊपर हमला कर दिया गया है। जानलेवा हमला है और इसी चलते हुए अस्पताल में वह भर्ती। 5 मिनट में 25 खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।